shotgun on this radio pop shit. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch. तो और वही लोग क्या हाल चाल है यार। अब मैं जब भी ऐसा गेम प्ले डालता हूँ जिसमें कोई एनिमी मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा होता है या ऑल चैट पे कोई मेरे को पुकार रहा होता है, तब मैं उससे बात नहीं करता हूँ। तो आप में से कई सारे लोग मेरे से ये बोलते हो, यार अब तो तू iOS पे खेल रहा है तो उन लोगों से बात क्यों नहीं कर रहा है, ये कैसा एटीट्यूड है? तो भाई ये एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है, ये मजबूरी है। अब भले ही मैं iOS पे खेलता हूँ, लेकिन अगर एक बार मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तब मैं उसके बाद माइक सेटिंग के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता हूँ, यानी कि उसको ऑल पे, टीम पे या फिर ऑफ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऑडियो रिकॉर्ड होना बंद हो जाती है, यानी कि गेम की जो इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है वो बंद हो जाती है, रिकॉर्ड नहीं होती है। जैसा कि आप इस गेम प्ले में देख रहे हो, इसमें गेम का कोई भी साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब फिलहाल आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि विकेंडी की केव में जाओ जहाँ एयर ड्रॉप्स मिलते हैं, तो भाई हम लोग यहीं पर आए थे। लेकिन यार पीसी में मेरे ख्याल से 2 एयर ड्रॉप मिलते थे, लेकिन पबजी मोबाइल में सिर्फ एक ही रहता है और उसमें मेरे कोई काम का सामान नहीं निकला। अब लेकिन केव अकेले हम लोग नहीं आए थे, यहाँ हम लोग के साथ और भी कई सारे लोग आ गए थे, तो उनको भी मारना था पहले। अब जैसे ही हम लोग ने पीछे वाला डिब्बा लूटा, वैसे यहाँ पर एक गाड़ी आई, तो अब हम लोग का फोकस उस गाड़ी वालों के ऊपर था। अब यहाँ पर हम लोग ने 2 नॉक करके फिनिश कर दिए थे, लेकिन ये दोनों नॉक हुए थे मतलब कोई ना कोई तो इनका भी जिंदा था। अब ये बंदा तो डायरेक्ट किल हुआ था, मतलब ये स्क्वाड खत्म हो गई थी, लेकिन इन लोग को हम लूट रहे थे फ्लेयर वगैरह के लिए, तभी यहाँ पर एक और गाड़ी आ गई। अब एक को मैंने नॉक कर दिया था और दूसरा गया था पत्थर के पीछे, तो हम लोग का फोकस अब उसके ऊपर था। अब भाई साहब हम लोग को जो फ्लेयर मिली थी उसको तो चला दिया था, लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी बहुत देर से चक्कर काट रही थी लेकिन हम लोग के करीब नहीं आ रही थी। उसमें से एक बंदा उतर के पहाड़ी पे चढ़ गया। अब इन भाई साहब के टीममेट तो इनको पीछे छोड़ के भाग गए। अब भाई साहब फ्लेयर वगैरह हम लोग सब लूट चुके थे, लेकिन मेरे को चाहिए थी AWM, तो हम लोग गाड़ी उठा के लोगों को ढूंढ रहे थे जिनके पास AWM हो। अब यहाँ पर एक को मैंने नॉक कर दिया था और दूसरा भी मुझे उसके पीछे दिख गया था।
अब ये भाई साहब मेरे को दिख गए थे लेकिन मैंने मार्क लगा दिया और टीममेट उसको पुश करने के लिए गए। मैं पीछे से आया कवर देने के लिए क्योंकि मेरी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी। अब वाली स्क्वाड तो खत्म हो चुकी थी लेकिन यहाँ पर दूर हम लोग दो बंदे दिखे थे जिसमें से एक को मैंने नॉक कर दिया लेकिन मेरे को पता था कि उसी पत्थर पे एक और बंदा बैठा हुआ है। अब ये दोनों तो बहुत ही आराम से फिनिश हो गए, बिल्कुल मेहनत नहीं लगी। उसके बाद यही पास में एक ड्रॉप गिरा था तो मैं जल्दी से आया ड्रॉप लूटने, लेकिन ड्रॉप में थी ग्लोज़ा जो कि ऑलरेडी मेरे पास थी। अब मेरे को पता था नीचे वाले कंपाउंड में बंदे होंगे और एक मेरे को दिख भी गया। अब इस बंदे को मैंने इधर फिनिश कर दिया था लेकिन उसके बाकी टीममेट पहाड़ी के ऊपर थे मेरे पीछे तो उनका भी ध्यान रखना था। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि हम लोग नीचे से जितना वेट करेंगे वो लोग रिवाइव होके हेल्थ वगैरह लगा लेंगे, तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि हम लोग उनके ऊपर पुश करेंगे। अब ये स्क्वाड तो आराम से फिनिश हो चुकी थी, अब सिर्फ एक ही स्क्वाड बची हुई थी जो कि पहाड़ी के नीचे थी, तो मतलब जहां से हम लोग आए थे वहीं वापस जाना था। अब मेरे को पता था कि वो तीनों के तीन कूद चुके हैं और एकदम मेरे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने पहले हेल्थ लगाई क्योंकि मेरे को पता था उनका एक बंदा नॉक है। लेकिन भाई यहाँ पर ये तीनों के तीनों मेरा इंतजार कर रहे थे लेकिन मेरे पास ग्लोज़ा थी और मैंने तीनों को लुड़का दिया, तो एक और इजी चिकन डिनर। अरे यार, अरे फिर भी नॉक हो जाता है। अरे सामने एनिमीज अहेड, फायर ऑफ गन से है। चलो बस मैंने
ओके ओके कलो को सका नाइस मेरे सामने अरे यार मेरे को लगा इसी को मारा था। ओके नाइस।